एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब बात बंगाल की सियासत को लेकर। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन के बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल में उनके काफिले पर हमले के बाद पहली बार वो बंगाल जा रहे हैं। अपने बंगाल दौरे में वो बर्धमान में रहेंगे और इस दौरान वो बीजेपी की एक मुट्ठी चावल मुहिम का उद्घाटन भी करेंगे। उनकी इस मुहिम का क्या असर होगा आपको बताते हैं। एक मुट्ठी चावल से बंगाल जीतेगी बीजेपी। ममता का किला भेदने फिर बंगाल में नड्डा। तिहत्तर लाख किसानों को साथ लेने की तैयारी। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन बंगाल पर है। बंगाल फतह के लिए एक मुट्ठी चावल मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो दिन भर बर्धमान जिले में किसानों के बीच ही रहेंगे। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी राज्य के 73 लाख किसानों के घर घर पहुंचेगी। बीजेपी की एक मुट्ठी चावल मुहिम के तहत बीजेपी कार्यकर्ता 48,000 गांव में करीब 73 लाख किसानों के घर जाएगी। किसानों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेगी। किसानों को कृषि कानून के फायदे भी समझाएगी। डायमंड हार्बर में अपने काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार बंगाल में है। अपने इस दौरे के जरिए जहां किसानों का साथ हासिल करेंगे, वहीं बीजेपी के मिशन बंगाल को भी मजबूत करेंगे। ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त कर। बंगाल में नड्डा का पूर्वी वर्धमान का दौरा है। इसके बाद रोड शो, फिर संवाददाता सम्मेलन। अपने बंगाल दौरे के तहत आज जेपी नड्डा सुबह 11 बजे काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद पूर्वी वर्धमान के कटवा हेलीकॉप्टर से जाएंगे। सुबह 11:40 पर जगदा नंदनपुर गांव में राधा गोविंद मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। सुबह 11:50 से 12:45 के बीच जगदा नंदनपुर में कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:45 से दोपहर 1 बजे तक किसानों के घरों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेंगे। दोपहर 1 बजे से 1:40 तक किसान परिवार के घर दोपहर में लंच करेंगे। दोपहर 3:20 से शाम 4:30 बजे तक वर्धमान क्लॉक टावर से लॉर्ड कर्जन गेट तक रोड शो करेंगे। शाम 5:30 बजे से 6:15 बजे के बीच सिंक्लेयर रिजॉर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे के बाद रात में 9:15 बजे काजी नजरुल एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी का ये मिशन बंगाल अहम इसलिए है क्योंकि नड्डा से लेकर शाह तक बंगाल में 200 प्लस सीट का दावा कर चुके हैं। जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे केरल का हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिमाचल का हो या जम्मू कश्मीर का, बंगाली अस्मिता को सम्मान भी करता है और प्रणाम भी करता है। मगर मैं ममता दीदी को बता दूं, आपको हराने का काम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के बंगाली कार्यकर्ता ही करेंगे और आपको हराकर मुख्यमंत्री जो बनेगा वो भी इसी मिट्टी का मानुस होगा। मिशन बंगाल के तहत एक तरफ जहां जेपी नड्डा बंगाल में रहेंगे, तो दूसरी तरफ ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली में रहेंगे। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में मौजूदा स्थिति पर एक रिपोर्ट शाह को सौंपेंगे। बंगाल में अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी और ममता सरकार के बीच लगातार तकरार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी किसानों के जरिए ममता की सत्ता छीनने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ममता सरकार ने कृषि बिल के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। अब बस कुछ महीनों का वक्त बचा है, साफ हो जाएगा कि बंगाल किसका रहेगा और किसका बचेगा।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।